आप सबों को हमारा नमस्कार। अभी मैं आपको कौशल विकास केंद्र संजीवनी परिवार में COVID-19 को लेकर जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BSDM के गाइडलाइंस के अनुसार जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से हमारे यहां स्टूडेंट आएंगे और किस तरह से उनका एडजस्टमेंट किया गया है। सारे चीज़ों को मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट आते हैं और आने के बाद वो अपने हाथों को हैंड वॉश किया जा रहा है और अच्छी तरह से हैंड वॉश करना है। सारे लोगों को जो भी लोग आएंगे उनका हैंड वॉश अच्छे से करना है। हैंड वॉश करने के बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको कम से कम 6 फीट की दूरी में सेंटर आने के समय और जाने के समय 6 फीट की दूरी होनी चाहिए उनके आने जाने के क्रम में, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन बहुत ज़रूरी है अभी के समय में और हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। और इस तरह के दिशा निर्देश लगाया गया है जिससे कि स्टूडेंट आने के साथ देखें और इसका सख्ती से पालन किया जाए। इस तरह से आने के बाद उनको इस तरह की दूरी रखी जाएगी उन लोगों को आने में, और आने के साथ हैंड वॉश पहला काम होगा और उसके बाद उनको हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा जिससे कि वो हाथ को सैनिटाइज करेंगे। इस तरह से हैंड सैनिटाइजर देकर उसे पहले उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। स्टूडेंट्स के अगर हाथ भींगे हों तो उन्हें टिश्यू पेपर दिया जाएगा और टिश्यू पेपर से वो अपने हाथों को अच्छी तरह से पोछेंगे, और हाथ को अच्छी तरह से पोछने के बाद वो उसे कवर्ड जो डस्टबिन होगा उस डस्टबिन में डालेंगे। इस तरह के कवर्ड डस्टबिन की व्यवस्था हमारे यहाँ होना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि जो भी टिश्यू पेपर यूज़ होंगे उसे उस डस्टबिन में डाला जाएगा। इसके बाद इनके थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी जिससे उनका टेम्परेचर देखा जाएगा, उनका टेम्परेचर क्या है। अभी आइए देखते हैं कि इनका टेम्परेचर मापा गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इनका टेम्परेचर क्या है। ये देखिए इस तरह से टेम्परेचर दिखाया जाएगा। इस तरह के टेम्परेचर पहले हम चेक करेंगे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहीं से हमें स्टूडेंट्स को वापस घर भेज देने हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर अगर है तो हो सकता है वो बीमार होंगे तो उन्हें वापस घर किया जाएगा। उसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल मापा जाएगा और यहाँ पर सारे इक्विपमेंट रखे गए हैं रिसेप्शन काउंटर पे, और यहीं से हम लोग स्टूडेंट का मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर मैंने रखा हुआ है जो कि यहाँ पर आने के साथ उनका मैनुअल रजिस्ट्रेशन अटेंडेंस लिया जाएगा, क्योंकि अभी बायोमेट्रिक बंद है जिसके लिए हम लोगों ने मैनुअल रजिस्टर का इंतज़ाम किया है। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ थ्योरी रूम की तरफ, जहाँ की वहाँ से सारे चेक होने के बाद सारे स्टूडेंट्स थ्योरी रूम में प्रवेश करेंगे। और थ्योरी रूम में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और इसके बाद हम लोग थ्योरी रूम में आएंगे। इस तरह से सेटिंग अरेंजमेंट किया गया है जो कि बिल्कुल भी सारे स्टूडेंट 6 फीट की दूरी बनाकर बैठेंगे। एक बेंच पर मात्र 2 स्टूडेंट को बैठने की अनुमति होगी और यहाँ पर जो LF होंगे वो यहाँ से पढ़ाएंगे। ये हमारा स्क्रीन है और यहाँ पर ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर भी जो भी पढ़ाई होगी।
अब मैं आपको लिए चलता हूँ लैब रूम की तरफ। लैब रूम में प्रवेश करने से पहले भी यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हें पोस्टर के द्वारा यहाँ पर चिपका दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स आकर इन सब चीज़ों को, लैब रूम में भी गाइडलाइंस को हर जगह चिपका दिया गया है। और ये हमारे बैठने के जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो हैं इस तरह से। बीच में यहाँ पर देखिए गैपिंग दिया हुआ है और इस तरह से हमने सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है बैठने के लिए। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी यहाँ पर रखी जाएगी। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीटिंग अरेंजमेंट को किया गया है। इस तरह से सारे बच्चों को बैठने के लिए हर जगह पर एक के बाद एक बच्चों को बैठाया जाएगा। और इस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारे हमारे सीटिंग अरेंजमेंट हैं। इस तरह से सारे बच्चे बैठेंगे और अपने अपने सेशंस को पूरा करेंगे ताकि उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और लैब रूम में भी जगह जगह पर हमने इस तरह के इंतजाम किए हुए हैं। ये सब जो भी BSDM की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है, जो भी पोस्टर्स बताए जा रहे हैं, उन सारे पोस्टर्स का हम लोग अच्छे से उपयोग, ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी